Post the panel discussion. It's now time for a fireside chat at ScreenX Summit and Awards 2022. The subject that will be covered is how OTT has cracked the code to harness fresh talent. We all talk about how the world is filled with talented people, ranging from actors to writers to singers to performers, and how OTT has Provided a platform to harness all of it is what will be discussed. And uh, chairing the session is going to be Rani Jha RJ Big FM. You know, our, our Big FM are our, our radio partners for the same. And uh, the panelists we have with us Pratik Gandhi. I mean, I don't have to let you all know a little too much about him because he's very, very popular and known to all of us. Welcome you on stage.

ओ टी टी राइट आज आपको एंटरटेनमेंट के लिए uh, टिकट खरीद के कहीं जाने की जरूरत नहीं है एंटरटेनमेंट खुद चल कर आपके हाथ में आएगा सो so ये जो एक नया बदलाव आया है पहले मैं चाहूँगी कि बहुत ऐसे आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं प्लीज़ थोड़ी सी ताली बजा दीजिए इस चेंज इस रेवोल्यूशन के लिए येस yes, फील बनेगा थोड़ा थैंक यू सो मच ऑल राइट नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्टेंट ओ की एक खास बात है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि कॉन्टेंट इज़ द किंग राइट और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़े गए हैं बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो पहले फिल्म मेकर्स बनाना चाहते थे दिखाना चाहते थे बट उन्हें ये लगता था कि सेंसर बोर्ड कैची चला देगी या पता नहीं ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी वो एक स्पेस ओ ने तैयार किया है राइट न्यूनेस लेकर आया लॉट्स ऑफ न्यूनेस इज हियर बिकॉज ऑफ ओ टी टी और नई कहानियों के लिए तो नया चेहरा चाहिए राइट सो इसीलिए लिए आई थिंक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर न्यू टैलेंट्स जैसे कि हमारे साथ बैठे हैं आप पहले इंसान हैं प्रतीक जिसको स्कैम करने के लिए लोग बधाइयाँ दे रहे हैं सो आई स्टार्ट विद यू ओनली प्रतीक uh, कैसा था वो लाइक like, sure से पहले आपने बहुत काम किया जो नहीं पता बट लोगों को आपका स्कैम पता है सो हाउ हाउज इट हम तो आराम से चुपचाप जाके पाँच भी आपकी का काम कर रहे थे स्टार बन गए रात हाउ इट गुड इवनिंग एवरी वन स्कैम एक्चुअली चेंज माई लाइफ और मैं ये कहते रहता हूँ कि आई हैव टू फेजेज इन लाइफ प्री स्कैम एंड पोस्ट स्कैम तो ये पोस्ट स्कैम जो एक फेज है जो मुझे लगता है हर एक एक्टर एक का सपना होता है कि ऐसा कभी कुछ जीने मिले ऐसा कुछ काम करने मिले एंड दैट स्कैम गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ ये इट्स अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन बिकॉज इतने साल जो कर रहे थे अब एक्टर की लाइफ या किसी भी क्रिएटिव uh, पर्सन की लाइफ ऐसी होती है कि अनलेस यू गेट टू दैट पॉइंट ऑफ सक्सेस वेर इट इज कॉल्ड अ सक्सेस यू कॉन्स्टेंटली विद दो क्वेश्चन दैट वॉट एवर आई एम डूइंग इज इट राइट इज इट इन राइट डायरेक्शन एम आई लैकिंग समथिंग शुड आई इम्प्रूव समथिंग विच यू डोंट नो सो अनलेस मतलब इतनी बड़ी ऑडियंस जब मिल जाती है किसी चीज़ के लिए और इतना प्यार मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सालों से कर रहे थे शायद कुछ तो सही था mm. कि यहाँ तक पहुंचे हैं सो इट्स इट्स अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन लवली कंग्रेचुलेशन फॉर देट ओ टी की भी अगर बात करें मैं मृणाली ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वहाँ भी एक ट्रेंड देखा गया जो चल रहा है वही चलता रहे यू नो डार्क थ्रिलर सस्पेंस चल रहा है अरे यही देखते हैं लोग यही बना दो ये you नो know? वो चल रहा है बट लायंस गेट As far as the content is concerned, as always, you know, trying to do something different, something original. So Ye him. Well I think we are uh, a maverick brand, and I think there's an advantage to being a maverick brand that you can do things which are outside the parameters that's already drawn. And, uh, I think the courage comes from the fact that we're at a time which is the best for content, right? Right. Uh, there's a lot of support from the creative. Yeah, might used. So, like I was saying, we're a maverick brand. And the advantage to have always been a maverick brand is that you get that confidence from the fact that you've been known to bring something different. Um, it's a great responsibility to have, and I think this is a great time to be making content in the country. And you end up getting that support. I think today the real courage comes from the kind of stories people bring to you, the visions directors have, and the sheer courage that they want to stand by a passion, which maybe five, ten years ago wasn't possible. Absolutely. Uh, then your job as a producer is just to be able to say, okay, I want to do this. मुझे लग रहा है करना चाहिए लवली you know, और काफ़ी चीज़ें बदली भी हैं जैसे पहले अगर बात करें तो आ, या तो फिल्म का स्टार सुपरस्टार होता था या फिल्म के डायरेक्टर के नाम पर फिल्म बिकती थी आज कहानी चाहिए लोगों को यू ना स्पेशली पोस्ट कोविड काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं ऑडियंस के पास क्योंकि उस आ, उसने इतना एक्सपोजर मिल गया है उसे नेशनल इंटरनेशनल रीजनल कंटेंट का अब उसे अच्छी अच्छा एंटरटेनमेंट दो वरना मैं नहीं देख रहा यू बहुत चूज ही हो गई है हमारी ऑडियंस Or I don't know, is it loud to say that? Uh star value come ho or is it karne me a contribution? OTT what do you what do you think? Well we're sitting next to a star. <laughs> yeah yeah we should, we should ask the star. Yeah. <laughs> I think the stars will always be, but I think the great part of OTT is it has allowed that adage to be expanded across discovering newer faces. Uh, it's allowed for diversity. It's allowed for people to come back from having done a particular kind of work and being rediscovered. Mm. Um, and I think it's incredible that this change in technology will allow us to add new faces for generations to come. Yeah, right. um, but I think the concept of a star will always exist. It's just that today it's no longer just one face. It could be the story, it could be the director, it could be the writer. Today I love the fact that technicians are getting their worth.

so if the character, character's emotion, the story's world work for them, everything works for them, then they see beyond the faces that they are actually seeing on screen. or yeah, emotion, is <laughs> such that this comes from the story itself. so i guess this is the world. i mean, this, this is the time for writers. unless we have strong content, the best of the actors cannot do any magic. because it's a long format. long format, kamazai, that you get to see and be with the character for the long time. इट्स नॉट अबाउट अस टू आवर्स के वहाँ पर एक्टर का खुद का एक पर्सनल मैजिक कुछ होगा तो वो चल के निकल जाएगा अनलेस द स्टोरी होल्ड यू द इमोशन होल्ड यू इट वॉन्ट वर्क सो थिंगस आर चेंज दैट वे रुकने का थोड़ा सा टाइम देता है ओ टी टी ऐसे सांस ले लो बीच में भागना नहीं है कहीं यू you नो know, वो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बट uh, एक चीज प्रतीक हमेशा देखेगा स्पेशली विद न्यू फेसेस के आप हमेशा अपने पहले बड़े सक्सेसफुल काम के लिए हमेशा जाने जाते हैं राइट right, आप जहां भी जाएंगे भले ही उसके बाद आप कितना ही काम कर लिए आपकी एक पहचान बन जाती है अरे वो है लाइक like प्रतीक अच्छा स्कैम वाले प्रतीक यू नो ये आई एम श्योर वो होता है सो so, वो uh, आपको लगता है ऐसा होता है पहला सवाल ये जी बहुत होता ही है ये yeah. बहुत होता है एंड यू हैव टू 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 पुट एक्स्ट्रा एफर्ट कम आउट ऑफ दैट एंड पुट टू 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 ऑडियंस एंड 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 इवन इवन मेकर्स ब्रांड्स एज एज दैट यू कैन क्रिएट डिफरेंट कैरेक्टर्स टू बिकॉज पहला प्रोजेक्ट अगर इतना बड़ा हो और इतना वो कैरेक्टर लोगों के साथ जुड़ जाए देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सी यू बियॉन्ड दैट सो आई मीन एज एन एक्टर यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा डबल एफर्ट के हम इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं शायद आई मीनो सो आर यू कॉन्शियसली

ना जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम हमेशा अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही नाम जाने जाते हैं आई वॉन्ट टू नो योर साइड ऑफ अस्टोरी सपोज इन अ प्रोजेक्ट यू वॉन्ट समबडी सो किसी स्टेब्लिश्ड एक्टर को क्योंकि आपने उसका काम देखा है आपको उसे पता है उससे क्या क्या निकलवाया जा सकता है वो फिर भी आसान हो जाता है बट वैन यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेज कुछ चेक बॉक्सिस होते हैं Well, I think it's a matter of matching someone to a character because, as Prateek said, you know, you're bringing a character to life. And people have to fall in love with that character in order to follow it or him or her for six hours, eight hours. Um, and I think the responsibility really falls into bringing someone who, of course, will do justice to what's on paper. And if they also have the longevity to be more than just that character, nothing like it. But. Um,

वो चीजें आज शॉक वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाती तो हमें उसके उसे अलग तरह से अप्रोच भी करना पड़ता है और कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो पहले ऐसे लगते थे सेंस नाउ सडनली वी फील कि नहीं इसके बदले तो ये है ना क्योंकि हम कुछ चीजें लाइफ में जो पहले कम देखते थे वो ज्यादा देख रहे हैं एन वाइस ऑल्सो That suddenly gone so now that becomes a, a very, very important part of your life. So the, yeah, things change every day. You want to add something? Well, I think we are constantly searching for relevance in stories today uh, because we are also catering to a generation and a combination of generations. And like Patek is saying, that you know, you speak of a love, love story today, you can't ignore the fact that technology has so much to do in a romance. When you think of a thriller, life has changed, right? So, um, you might be telling the same story, but the manner in which you tell it and the conflict that you bring, uh, how people deal with emotion also today is very different. So, I would say it's a combination of wanting to retell stories that we all love, but in a manner that makes it relevant to a new audience. एक एक हम लोगों ने एक सिलसिला देखा है कि जितने भी लेजेंडरी फिल्म मेकर्स रहे हैं लाइक पहले फिल्म मेकर्स होते थे आज प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं आज एप्स होते हैं आप मतलब ये ना आ, हमेशा से उन्होंने प्राउड फील किया है कि एक नया चेहरा हमने दिया था यू नो चाहे वो ऋषिदा हो मनमोहन देसाई हो याश चोपड़ा हो मतलब वो ताकि वो एक लेगेसी होती है ना कि यार वो मैं उसको मैं लेकर आया था इंडस्ट्री में यू नो यू फील द सेम इट वुड बी अ प्रिविलेज या श्योर ऑफ कोर्स बट इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी मिनानी कि Do you think कि आज लोग ऐसा रिस्क कम ले रहे हैं? Because big budget film है, एक सेट फॉर्मूला होने चाहिए, एक बड़ा स्टार ले लो, वो चेहरा देखकर आ जाएंगे, कहानी बाद में देखेंगे। ये होता है। I'm just asking. Yes and no, but I think over the past couple of years, I think we've all been testament to the fact that the big winner is always risk. I think every time we've tried to do something that's been done already, it hasn't given us the results we wanted. Uh, And you're actually a living example of the fact that risk actually is what makes winning easier today. It's a different perspective, and yes, of course, we work in a business where you have to sort of mitigate the risk. But I guess that's our job as producers to constantly figure out what is the most calculated risk you'd like to take. And if you end up discovering a new face or new talent in front or behind the camera, nothing like it. That's the privilege of the job. Yeah, I mean, we are in the business of experiments, and uh, formulas don't work in experiments because formulas are derived after the experiment is successful. So, I mean, without doing an experiment, if we are riding on a formula, then in fact, the answer lies there itself. If that is supposed to be true, then a certain formula should work for all the films, which doesn't work. Same face, same names, same talent, it doesn't work every time so there is a need to be relevant as far as the subject is concerned because each subject, each story demands something new. we can't force fit uh, what is supposed to work with the same subject and same story. so that's how it works. exactly. <laughs> exactly. how lionsgate is like consciously uh, trying to increase the pool of new faces well, because um, the kind of content we want to do is a little different, that automatically puts us in a very sort of select uh, group of talent that would want to work with us. Um, and in a way, it also helps us be clear about what it is we want to give, because, you know, the amount of content being produced today is huge. so in order to stand out, we'd have to be very clear and take a very sort of different path. Um, so, that automatically means that you have to be very clear in terms of what is the kind of talent you want to back, the stories you want to tell, what the brand should stand for. And uh, I think everything we've produced till now has sort of taken that in mind. Fresher talent, fresher stories, um, risk in terms of how you want to position the brand. सो so, अच्छी न्यूज़ है लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं वो आप लोगों को ओके okay, प्रदीप um, आप थिएटर से आए हैं वो कम्प्लीटली एक एक्टर ड्रिवन मीडियम है फिल्मों की अगर बात करें तो वो बड़ा ही रेवेन्यू ड्रिवन है राइट ओ टी टी इज़ वेरी टेक्निकल ड्रिवन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या तो इन तीनों में मतलब जो मज़ेदार सिंक है वो आपने फील किया है कभी वॉट यू हैव टू से लाइक

डायरेक्टर का जो विजन होता है वही सारे डिपार्टमेंट एंड एवरीबडी इज वर्किंग टू मेक दैट विजन ट्रू एंड लाइव एंड रियल वेर एज ओ टी टी ओ टी टी का मजा यह है कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मीडियम बना है बिकॉज आई मीन कॉन्टेक्ट इज किंग सो राइटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द होल टीम बट इट हैज इट इज सिमिलर वेटेज फॉर एवरीबडी एक्टर्स राइटर्स डिरेक्टर्स मीडियम इट्स अ मीडियम एंड बिकॉज ये एक सीरीज छः सात आठ नौ दस घंटे की हो सकती है एक छोटी कहानी जो पहले कभी नहीं बन पाती थी कि यार ये कहानी ऐसी है कि इसे सिर्फ पच्चीस मिनट में ही कहा जा सकता है तो ना ये फिल्म है ना ये सीरियल है ना ये सीरीज है कोई इसे लेता नहीं था कोई इसे बनाता नहीं था अब उसके लिए भी जगह है सो शॉर्ट फिल्म आर ऑल्सो बींग सीन अब ये सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं कि एज एन एक्टर यू एक्सपेरिमेंट एवरी डे तो मुझे लॉन्ग फॉर्मेट का मजा यह आया कि इसमें आई गेट टू लिव दैट कैरेक्टर फॉर द लॉन्ग टाइम मतलब कहानी भले नौ घंटे की बनती है पर हम तो उसके लिए नौ महीना शूट करते हैं hmm, hmm, hmm. टुकड़े टुकड़े में तो दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू थिएटर कि एक प्ले के हम 500 शो करते हैं hmm. चार साल में तो मैं उस कैरेक्टर को पांच साल तक जीता हूं okay. Okay. हर बार मतलब महीने के दो शो ही सही पर हर बार मुझे तो रिक्रिएट करना पड़ता है सो दैट इज वेरी क्लोज टू ओ स्पेस वेन आई वर्क फॉर दैट लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म का मजा अलग है कि वही हमें तीस पैंतीस चालीस पचास दिन में पूरी एक कहानी कह देनी है सो दैट इज स्टिल अ डिफरेंट फील कि आप वो साठ दिन के लिए पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपना वो कैरेक्टर क्रिएट करके निकल सकते हो सो ओ टी टी एक्सपेरिमेंट इन एंटरटेनमेंट मीडियम वाइज सो इन कमिंग फ्यूचर सिर्फ फाइव ईयर्स टेन ईयर्स आप इसी एक एक्सपेरिमेंट में क्या लगता है I'm just asking your vision. What new experiments are you be possible? Well, I think today is the time of uh, producers. Because producers are the ones who have to sort of take on the responsibility to back talent, stories, difference in how you want to shoot. And um, I think the partnership between a platform and its producers is going to become the game changer. Because today, um, the kind of volume you want to uh, match, because the audience is consuming content so fast, and it's, now it's coming from all over the world. Um, the important thing is going to be to trust creative vision, which is really what we need to do. Uh, we need to trust in the partnerships we make in terms of what, what are the stories people want to hear and tell. And I think that relationship is going to be the game changer in terms of how we move forward and try and take content from India across the world <laughs> uh, technologically also and uh, in creative uh, thoughts also, because uh, of lately whatever that we have seen you know that regional stories are attracting a lot of, lot of audience yeah. because uh, ईच स्टोरी हैड अ वेरी पर्टिकुलर अपील कई बार पहले जो होता था कि यार ये स्टोरी एक रीजन से मिली है बहुत अच्छी है पर मुझे इसे पैन इंडिया बनाना है तो मुझे इसे फोर्स फिट करना पड़ेगा हिंदी के फॉर्मेट में एंड लॉड ऑफ़ द टाइम वी एव लॉस्ट एसेंस ऑफ दोरीज बिकॉज उसकी कहानी बंगाली है तो वो बेंगोली में ही मजा है उसे सुनने में उसे देखने में वो वो रीजन देखने में बिकॉज द मोमेंट यू सी इट यू एक्चुअली फील दसेंस ऑफ द रीजन

Uh, वो कहानी में uh, भी मतलब साउथ की किसी कोई फिल्म में देख रही हूँ उसमें मुझे एक बंगाली कैरेक्टर बंगाली में बात करता हुआ दिख रहा है और वो जर्क नहीं है you know, वो वो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ uh, कुछ अलग हो रहा है it, हम कहानी में इतने फ्लो में हैं इट्स ब्यूटीफुल सो या बहुत सारी चीज़ें आगे होने वाली हैं आप लोग आगे क्या कर रहे हैं योर प्लान्स सो आई थिंक इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट वी बीन टॉकिंग अबाउट अ रिस्क Uh, the aim is to do. Um, Lionsgate is also entering into films as a studio. Congratulations. Thank you. And uh, with that, we are starting to create stories which we feel are an extension of the brand. Uh, the brand is a premium urban brand, so hence we'll be, you know, looking at working within that as a storytelling that we want to take forward. And uh, we hope to introduce new talent.

हाउ इट हैपन टी दी ओ सो माई इन माई केस मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मौका जिसने मुझे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रख दिया दैट इज स्कैम एंड बिफोर दैट मैं दो हज़ार चार में मुंबई आया था मेरे होम टाउन सूरत से एक इंजीनियरिंग की डिग्री थी हाथ में और थिएटर का एक्सपीरियंस था कुछ मेरे शहर का और दोनों में काम करने की शुरुआत की मैंने दो हज़ार चार से सो आई डिड थियेटर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड आई स्टिल डू इट सो so, 16 साल थिएटर किया और उसके बीच कुछ गुजराती फिल्में हुई दो तीन गुजराती फिल्में की मेरी एक गुजराती फिल्म रॉन्ग साइड राजू को 2016 में नेशनल अवॉर्ड मिला उसकी वजह से शायद मेन uh, स्ट्रीम में कुछ कुछ लोगों ने उसे देखा था या उसकी वजह से मैं शायद वो नज़र में आया या नाम किसी ने सुना होगा एंड हंसल सर हैज़ ऑल्सो वॉच दोज टू गुजराती फिल्म एंड वन ऑफ माई थिएटर प्लेज एंड दैट्स हाउ स्कैम हैपन टू मी तो ओवरऑल ये ऐसे हुआ कि सालों से जो कर रहा था वो तैयारी ऐसे होती गई कि स्कैम सही समय पे आया मेरी लाइफ में बिकॉज पहले मैं ये सोचता था कि यार थोड़ा जल्दी हो जाता मतलब लोग शायद मुझे अलग 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 रोल में देखते शायद अलग होता मैं थोड़ा जल्दी शुरुआत करता पर अब मुझे लगता है ये सब होने के बाद कि बहुत सही समय पर हुआ है इतने साल मेरी तैयारी के थे जो मुझे देने थे अगर ये जल्दी होता तो शायद इतना बड़ा नहीं भी हो पाता वो, वो कोई कहता ना कि जब तक आपके हाथ मजबूत नहीं होंगे तब तक आप पैसे वो मुठ्ठी पर पैसे संभालेंगे कैसे गिरा देंगे जी तो so वो तैयारी लगती है आ, एक चीज़ लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके स्कैम हिट होने के बाद अचानक से न्यूज़ में प्रतीक गांधी प्रतीक गांधी प्रतीक गांधी मतलब ऐसा अगर मैं हिंदी न्यूज़ लैंग्वेज में कहूँ कि बड़े बड़े स्टार्स को देगा टक्कर प्रतीक गांधी है ना इस तरह की बातें आपने कुछ सुना था एन वही यू ओवरवेलम इनिशियली अक्टूबर so को स्कैम रिलीज yeah. हुई एंड टेंथ मॉर्निंग से ही ये शुरू हो गया था एंड yeah. एक तो लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा था yeah. हम लोग घर पे थे मुझे भी इतना एकदम झटका ये लगा कि सडनली हो क्या गया क्योंकि मैं सालों से जैसे काम कर रहा था स्टेज पे सही गुजराती फिल्मों में सही मैंने वैसे ही काम किया था yeah. तो जब मुझे पूछा जा रहा था दस अक्टूबर से रोज सुबह मतलब मैंने डेढ़ महीना दिन के छः छः घंटा इंटरव्यू दिया है घर के कोने में बैठ के एक ही सवाल सबने पूछा है कि हाउ डिड यू डू दिस एंड आई दिस कि आपने कैसे कर दिया मतलब मैं सालों से जो कर रहा था वही किया है शायद मैं पहली बार अच्छे से कैप्चर हुआ हूं शायद पहली बार बाकी सब कुछ चीजें ऐसी अच्छे से हुई हैं कि लोगों तक पहुंचा और पहली बार इतनी बड़ी ऑडियंस मिली है तब मुझे यह भी लगता था कि शायद मेरी पहले की फिल्में भी है लोग देखेंगे तो पसंद आएगा आई डोंट नो पर हां ये बहुत हुआ कि आपने ये कर दिया मतलब अब तो ये सब बहुत कुछ चेंज हो जाएगा एंड राइटली सो लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड ऑल्सो बिकॉज पहले जिन आंखों में मुझे क्वेश्चन मार्क दिखता था कि ये कर पाएगा कि नहीं अब उन आंखों में कॉन्फिडेंस दिखता था तो एक्टर के लिए जर्नी अब यहां से शुरू होती है बिकॉज वेन आई एम आउट ऑफ दैट प्रेशर टू प्रूव माई सेल्फ आई कैन गिव मोर जब आपको पता है कि आपको अभी जज करके डिसाइड कर देंगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है उससे बेटर यह है कि आप कर सकते हो हमें भरोसा है नाउ यू सो देन आई कैन आप लोगों की एडवाइस जो नया टैलेंट मौका ढूंढ रहा है जो उसे ओटीटी पर मिल सकता है उनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी जाते जाते, जाते? बहुत एडवाइस uh, से ज़्यादा मुझे तो लगता है कि सेल्फ एक्सपीरियंस जो किया है उससे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ दैट जस्ट कीप एट इट कीप डूइंग इट खास करके एक्टिंग एक ऐसा क्राफ्ट है जिसे रोज़ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है uh, तो ऐसा कोई भी मौका मिल रहा है जहाँ प्रैक्टिस करने मिल रही है जस्ट डू इट एंड कॉन्स्टेंटली बी पॉजिटिव बिकॉज इसमें नेगेटिव सीप इन होना बहुत आसान है सो कीप अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड जस्ट बी पॉजिटिव इन कीप एट इट आई गेस वन टाइम विल राइट यू विल गेट इट <laughs> um, i think to celebrate the fact that you're different. i think today is the first time that we truly uh, celebrate the diversity that we have in the country yes. in terms of voices, faces, like you said, languages. and i think it's important to protect that, cherish that, and stick to it as, as opposed to needing to conform in whatever way. सो लास्ट में यही कहूँगी कि आई थिंक वी आर गोइंग द राइट वे तरक्की की तरफ जा रहे हैं बढ़ना है और सबको साथ लेकर बढ़ना है इंक्लूडिंग द न्यू फेसेस थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू